हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और स्वागत है आपका इस सीरीज के सिक्स्थ वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में जाना था, जो बहुत सारे माइंड ब्लोइंग प्रेडिक्शंस करती है। इन सभी प्रेडिक्शंस में सबसे ज्यादा रोमांचक और हैरतंगेज कर देने वाली भविष्यवाणी है एक ब्रह्मांड नष्ट कर सकने के काबिलियत रखने वाले सितारे की, जिसे हम साइंस की भाषा में ब्लैक होल कहते हैं। ब्लैक होल उन चीजों में से एक है जिसके बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं, बट फिर भी सारे वैज्ञानिक इसे पूरी तरह से नहीं समझते। फ्रेंड्स, ब्लैक होल का फॉर्मेशन तब होता है जब कोई सितारा अपनी पूरी ऊर्जा के स्रोत का उपयोग कर लेता है। एक सितारे को ऊर्जा न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया से मिलती है, जिसमें दो या अधिक हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के साथ मिलकर हीलियम एटम का निर्माण करते हैं। इस प्रोसेस में बहुत सारी ऊर्जा रिलीज होती है, जो किसी सितारे को अपनी शेप बनाए रखने में मदद करती है। सितारों से निकलने वाली रोशनी और रेडिएशंस भी बाहरी तरफ से एक तरह का प्रेशर लगाती है, जिसे हम रेडिएशन प्रेशर कहते हैं। जब तक ये रेडिएशन प्रेशर ग्रेविटी को काउंटरैक्ट कर पा रहा होता है, तब तक एक सितारा अपनी स्थिति में स्टेबल यानी स्थिर रह सकता है। लेकिन अगर यही बैलेंस बिगड़ गया, तो वही सितारा उसके मास के अनुसार एक व्हाइट ड्वार्फ या फिर एक न्यूट्रॉन स्टार या इवन एक ब्लैक होल में तब्दील हो जाएगा। और फ्रेंड्स, क्योंकि सभी स्टार्स ब्लैक होल नहीं बनते, इस वजह से हमारे भारतीय वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खोज की। उन्होंने बताया कि सिर्फ कुछ ही स्टार्स ऐसा कर सकते हैं जिनका मास एटलीस्ट हमारे सूर्य के मास से डेढ़ यानी 1.5 गुना या उससे ज्यादा होता है। ऐसे सितारे अपनी ऊर्जा खत्म होने के बाद अपनी ही ग्रेविटी में कोलैप्स होकर ब्लैक होल का निर्माण करते हैं। एक सितारे का जन्म और अंत दोनों ही गुरुत्वाकर्षण की वजह से होता है। स्पेस में किसी डस्ट क्लाउड में जब ग्रेविटी की वजह से एटम्स एक दूसरे के पास आने लगते हैं, और इसी बीच कुछ ऊर्जा ग्रेविटी की वजह से गेन कर लेते हैं, जिससे फिर न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। और जब तक यही न्यूक्लियर फ्यूजन चलता रहता है, तब तक सितारा अलग अलग तरह के एलिमेंट्स का निर्माण करते रहता है। पहले फेज में, क्योंकि स्टार में हाइड्रोजन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए ग्रेविटी के प्रेशर में हाइड्रोजन एटम्स जुड़कर हीलियम में कन्वर्ट होने लगते हैं, और इससे जब स्टार में हाइड्रोजन की मात्रा में अभाव आने लगता है, तो हीलियम और हाइड्रोजन एटम्स आपस में जुड़कर लिथियम जैसे एटम्स का निर्माण करते हैं। और बिल्कुल इसी प्रक्रिया से हमारे ब्रह्मांड में सभी एलिमेंट्स का निर्माण भी हुआ है, सितारों की ही गोद में। जैसे मशहूर साइंटिस्ट कार्ल सेगन ने कहा था कि आपके शरीर का एक एक कण सितारों में ही कभी बना था, और जिसका मतलब ये भी है कि आपकी असल उम्र और ब्रह्मांड की उम्र दोनों सेम है। जब एक स्टार का ईंधन खत्म होने लगता है, तो वही धीरे धीरे कोलैप्स करना शुरू कर देता है। इस प्रक्रिया में सितारे में मौजूद सभी कण एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, और जिसकी वजह से स्टार में मौजूद हर एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करने लगता है, और न्यूक्लियस में मौजूद हर एक प्रोटॉन भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जब तक स्टार बहुत ज्यादा मैसिव नहीं होता है, तब तक वही इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन से जनरेट होने वाला प्रेशर दोबारा सितारे को स्टेबिलाइज कर देता है। और कुछ मैसिव सितारों में यही कोलैप्स होने की प्रक्रिया और आगे तक जाती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स एक दूसरे के साथ मर्ज होकर न्यूट्रॉन में बदल जाते हैं। क्योंकि न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल है, इस वजह से किसी तरह का कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन काम नहीं करता, और इस वजह से आपको अब ये ख्याल आ सकता है कि इस बार तो ब्लैक होल का निर्माण होकर ही रहेगा। लेकिन काश बात इतनी सीधी होती। यहाँ अब कुछ क्वांटम इफेक्ट्स की वजह से एक न्यूट्रॉन भी दूसरे न्यूट्रॉन को रिपेल करने लगता है, और इसका कारण कुछ और नहीं बल्कि ये है कि वो एक फर्मियॉन है। पार्टिकल फिजिक्स में हमारे ब्रह्मांड के सभी कणों को दो हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें से एक है फर्मियॉन, जिनसे मिलकर हमारी दुनिया बनी है, और दूसरे हैं बोसॉन्स। बोसॉन्स ऐसे कण होते हैं जो किसी तरह के फोर्स को कैरी करते हैं, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को कैरी करने वाले बोसॉन फोटॉन्स है, और उसी तरह ग्रेविटी को कैरी करने वाले बोसॉन्स ग्रेविटॉन है। ग्रेविटॉन से मिलकर ग्रेविटेशनल वेव बनती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे फोटॉन्स की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती है। फर्मियॉन्स के बीच एक्सचेंज फोर्स नाम की एक अलग फोर्स काम करती है, जिसका प्रेडिक्शन पॉली ने किया था अपने एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के मुताबिक कोई भी दो पार्टिकल स्पेस में एक ही जगह पर नहीं रह सकता, और इसीलिए यही एक्सचेंज फोर्स दो फर्मियॉन्स के बीच में काम करता है। जब एक सितारा व्हाइट ड्वार्फ बनने के बाद भी कोलैप्स कर रहा होता है, तब यही एक्सचेंज फोर्स की वजह से जनरेट होने वाला डीजेनरेट प्रेशर अपना कमाल दिखाता है। अगर ये डीजेनरेट प्रेशर ग्रेविटी को पूरी तरह से बैलेंस करने में सफल रहा, तो यूनिवर्स के सबसे डेंस यानी घने ऑब्जेक्ट का निर्माण होकर ही रहेगा, और ये है एक न्यूट्रॉन स्टार। इत्तेफाक की बात तो ये है कि न्यूट्रॉन स्टार ब्रह्मांड
ब्रह्मांड का सबसे बड़ा एटॉमिक न्यूक्लियस भी है। बट अगर सितारा अभी भी स्टेबल नहीं हुआ हो तो उसके सेंटर में इवेंट होराइजन का बनना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे यही इवेंट होराइजन बड़ा होने लगता है और अपने अंदर पूरे सितारे को समा लेता है। ये इवेंट होराइजन एक खास दूरी तक बड़ा हो सकता है, जिसे हम दी श्वार्ट्ज़चाइल्ड रेडियस के नाम से जानते हैं। अब फ्रेंड्स, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि अगर इवेंट होराइजन भविष्य में भी हो गया हो तो भी हम किसी भी प्रोसेस की मदद से उसे नहीं डाल सकते, जिसका मतलब ये है कि फ्यूचर में भी अगर इवेंट होराइजन बनने वाला हो तो वही ऑब्जेक्ट थोड़ा समय पहले से ही एक ब्लैक होल की तरह बिहेव करने लगेगा, और वो भी पास्ट में। भूलिए मत, रिलेटिविटी में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर एक ही समय पर एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। इवेंट होराइजन ब्लैक होल के बाहर वन वे डोर की तरह काम करता है, जो सिर्फ एक ही दिशा में खुलता है। इस वन वे डोर इवेंट होराइजन से हम सिर्फ ब्लैक होल के अंदर जा सकते हैं, और इसीलिए कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि ब्लैक होल के अंदर जो स्पेस होता है वो हमारे यूनिवर्स का नहीं है, क्योंकि हम स्पेस के इस हिस्से से टू वे कम्युनिकेट नहीं कर सकते। थियोरेटिकली अगर किसी वस्तु को उसके श्वार्ट्ज़चाइल्ड रेडियस तक कंप्रेस कर दिया जाए तो वो एक ब्लैक होल का रूप ले लेता है। सो फ्रेंड्स, फिर हम इस प्रक्रिया से खुद का ही ब्लैक होल क्यों नहीं बना पाते हैं किसी लैब में, जिसे स्टडी करके हम ब्लैक होल के बारे में और भी बहुत कुछ जान पाएंगे? तो वेल, ये इतना आसान नहीं है। हमारी दुनिया में हम सिर्फ दो फोर्सेस से वाकिफ है, जिनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटी आती है। किसी चीज को कंप्रेस करने के लिए हमें उसके अंदर मौजूद एटम्स के बीच काम करने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को हराना होगा, जिसके लिए हमें बहुत ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। इस तरह की टेक्नोलॉजी जो इस ऊर्जा का उपयोग करे ब्लैक होल बना सके, वो आज हमारे पास नहीं है। लेकिन प्रकृति की दूसरी फंडामेंटल फोर्स ग्रेविटी इस काम को अंजाम दे सकती है। जब किसी ऑब्जेक्ट का मास बहुत ज्यादा हो जाता है और उसके एटम्स के बीच का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ग्रेविटी से हारने लगता है, तो ऐसे सिचुएशन में वो अपने ही ग्रेविटी के प्रभाव में आकर कोलैप्स करने लगेगा। और ये सुनकर फ्रेंड्स, आपको लग रहा होगा कि शायद हम लैब में भी कभी ब्लैक होल नहीं बना पाएंगे, राइट? तो वेल, निराश मत होइए, एक तरीका है जिसकी मदद से हम ऐसा कर सकते हैं। इस प्रोसेस में हम गूगल ब्लिट्स नाम के एक ब्लैक होल का निर्माण कर सकते हैं। आइंस्टाइन ने अपने मशहूर E=mc² की मदद से हमें ये बताया था कि ऊर्जा के पास भी द्रव्यमान यानी मास होता है, और इस मास की वजह से वो स्पेस टाइम को कर्व कर सकता है, जिसकी वजह से हाइपोथेटिकली एक ब्लैक होल का निर्माण किया जा सकता है। ये तो हुई ब्लैक होल कैसे